नमस्कार दोस्तों, महू से लगा के सनावत के बीच में वन परिवर्तन का कार्य चल रहा है तथा हमारा जो नर्मदा ब्रिज है इस पर बड़े ब्रॉडगेज के पुल का निर्माण कार्य हो रहा है जिसके लिए पिलर डाले जा रहे हैं। यह जनवरी महीने की क्लिप है, आगे आप हाल का भी नज़ारा देखेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक ही पिलर उस समय बन पाया था, साथ ही जो कुल 5-6 पिलर नदी में खड़े हुए थे जो कि अब आधे हो चुके हैं, ये अब आप देख रहे हैं हाल ही का नज़ारा। यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरा पिलर भी यहाँ पर आधा तकरीबन बना दिया गया है और जल्दी ही पूरा भी बन जाएगा। साथ ही आगे की ओर दूसरे पिलरों के लिए भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। कुल 800 मीटर से भी अधिक लंबाई का यह ब्रिज था जिसमें करीब 20 के आसपास पिलर पुराने समय में मीटर गेज के बने हुए थे, जिसको कि अब करीबन 10-15 पिलर का दूसरा ब्रिज बनाया जा रहा है। लेकिन ब्रिज बनाने में काफ़ी अधिक समय लग रहा है, यह पुराने 3 पिलर वर्तमान में बचे हुए हैं। जैसा कि हमने बताया, समय अधिक लग रहा है, बरसात भी आने वाली है। ऐसे में जो संबंधित एजेंसी है जो कि हमारा सड़क का भी ब्रिज बनाने का कार्य कर रही है, पीछे बहुत दूर आपको वह ब्रिज भी दिखाई दे रहा होगा, बाईपास का निर्माण करने वाली कंपनी को ही यह रोड के ब्रिज के साथ साथ नदी के ब्रिज का भी कार्य मिल गया है। इस ब्रिज का निर्माण बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है जो कि चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि अभी हमारा जो सेक्शन है ओंकारेश्वर से सनावत का वह भी तैयार नहीं हुआ है, ना ही जो हमारा बड़वा और हमारा आगे का जो सेक्शन है बलवाड़ा, उसमें कार्य की कोई गतिविधि अधिक दिखाई दे रही। ऐसे में यह ब्रिज अगले वर्ष तक ही पूरा बनकर तैयार हो पाएगा और जो डेडलाइंस नई आ चुकी हैं वह भी इसी ओर इशारा करती है। लेकिन जो गति है वह काफ़ी चिंताजनक है। पिछले एक साल में केवल एक ही पिलर यहाँ पर खड़ा हुआ था और हमें 2-3 महीने के अंदर दूसरा पिलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो रेलवे को संबंधित जो एजेंसी है उनसे जवाब तलब करना चाहिए कि जल्द से जल्द उक्त ब्रिज का कार्य पूरा करें, क्योंकि इसके बिना ये जो कार्य है वह आगे की ओर होने के पश्चात भी उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाएगा। तो यह आपके लिए हाल का ताज़ा नज़ारा। अधिकतम ऊंचाई हमारे जो नर्मदा ब्रिज की रहने वाली है वह इतनी ही रहेगी जितना आपने पहले पिलर में देखा, और भी यह जो बचे हुए पिलर हैं यह भी आने वाले समय में ब्लास्टिंग के जरिए तोड़ दिए जाएंगे। और उम्मीद तो यही की जा रही है कि वर्षा काल से पूर्व अधिक से अधिक कार्य इस ब्रिज का हमें देखने को मिल जाए, ऐसी उम्मीद है। पूरे प्रोजेक्ट में यह ब्रिज काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में निभाएगा, इसलिए इसका पूरा होना बेहद ज़रूरी है। यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।